हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन टू माय चैनल। मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल मोस्ट मेडिसिन वर्ल्ड में। आज हम न्यूरोबिन और टेबलेट के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। इसका उपयोग, इसका यूजेस, इसका साइड इफेक्ट, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका ब्रांड नेम, इसका कंपनी, कम्प्लीट डिटेलिंग करेंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। न्यूरोबिन टेबलेट खास करके विटामिन बी डिफिशेंसी को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको जब कभी आप इसको कंज्यूम करें तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी जानकारी और मददगार साबित होगा। इसे मार्क कंपनी बनाती है, मार्क लिमिटेड, और इसका 30 टेबलेट का दाम अप्रोक्सीमेट 30 के आसपास पड़ जाएगा। अगर आप ऑनलाइन परचेस करें तो कुछ डिस्काउंट मिल सकता है आपको। इसका जो यूजेस है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जो इसको खास करके नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए इसका उपयोग होता है, और अपना इम्यून सिस्टम को बढ़ोतरी करने के लिए, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए भी इसका इस्तेमाल लिया जाता है। अन्य बहुत सारे यूजेस हैं इसके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसको खास करके विटामिन बी का डिफिशेंसी जब होती है हमें, तो बहुत तरीका का बॉडी में कमी रहती है, जो बीमार पनपने लगता है। तो आपको इससे इसका यूजेस के बारे में जान लेते हैं। इसका आपको आर्थराइटिस पेन में, आर्थराइटिस के लिए ये बहुत मददगार साबित होती है। न्यूरोपैथी पेन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड रेड ब्लड सेल का बढ़ोतरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हेल्दी हेयर के लिए, हेल्दी स्किन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसको लेने से सब चीज़ फायदेमंद रहे बॉडी को। और ये न्यूरोपैथी जो पेन रहती है बॉडी में, नस का जो जकड़न रहती है, झंझनाहट रहती है, जो कंपन सा बॉडी में महसूस रहता है, खासकर डायबिटिक पेशेंट को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इन सब समस्या से आपको अगर पैर में झंझनाहट होती है, पैर में जलन हो रही है, दर्द हो रही है, तो इन सब समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्टिलेज प्रॉब्लम के लिए, इसमें कार्टिलेज को का फायदा पहुंचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। माउथ अल्सर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, माउथ में छाले पड़ जाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का डिफिशेंसी के चलते, तो उसमें भी आपको इसे प्रयोग में लिया जाता है। डॉक्टर आपको समस्या के अकॉर्डिंग इसको कितने समय तक दे सकते हैं, ये उनको ऊपर डिपेंड करेगा पेशेंट का स्थिति को देख के। अगर आप नॉर्मली हेल्थ सप्लीमेंट की तरह इसे लेना चाहते हैं तो आपको डेली इसको एक रोजाना आफ्टर फूड इसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसका साइड इफेक्ट की तरफ। इसको लेने से आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट, इसको सेवन करने से आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट नज़र आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। आपको स्टमक अपसेट हो सकता है, स्टमक में गैस बन सकता है, डायरिया हो सकता है, किसी किसी को उल्टी, नोजिया, वोमिटिंग आदि शिकायत हो सकती है। अगर बहुत ही माइल्ड अगर हो तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर ज़्यादा परेशानी हो तो आप इसे तुरंत बंद कर दें। किन किन समस्याओं में, किन किन परिस्थितियों में इसे नहीं लिया जा सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। जिसको लीवर से शिकायत संबंधित बीमार हो, किडनी का चलते जो समस्या हो, हार्ट से डिजीज हो, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मेडिसिन चल रहा है, या उसका सिचुएशन हो, पेशेंट हैं अगर आप उसका, तो आप इसे ये दवा का प्रयोग नहीं ले सकते हैं, इसका उपयोग आप नहीं कर सकते। लीवर डिजीज का पेशेंट भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर डॉक्टर अकॉर्डिंग टू आपको अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आप डॉक्टर से सलाह लेके आप इसे कंज्यूम करें, ताकि आप सेफ रहें। फीडिंग मदर और प्रेगनेंसी वुमेन इसको खासकर डॉक्टर का एडवाइस से इसे कंज्यूम करें। तो ये थी न्यूरोबिन 4 टेबलेट की बारे में विस्तार से जानकारी। आई होप आप सभी को पसंद आई हो। अगर आप न्यूरोबिन टेबलेट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर मेरे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले वक्त में ऐसे ही वीडियोस लाते रह सकूं, आप में मोटिवेट हो सकूं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल में जरूर विजिट करें। आने वाले वक्त में मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।